आज मैं मिसा के टाइम आया था, क्या बोलते वचन का जस चालू होने वाला था तभी आया मैं। आज का मिसा भी मुझे इतना प्रभावित लगा, बहुत उसका वचन भी मुझे प्रभावित लगा। तो यहाँ पे जब हमने ये जो आज ब्रदर जी ने आज जो भी कुछ एक्टिविटीज़ ली है, ये मेरी फर्स्ट टाइम एक्टिविटीज़ है यहाँ पे मैंने की। मैं विश्वास तो करता हूँ बट उसे जीवन में लाने का मुझे पता नहीं। यहाँ पे आने के पहले ईश्वर का स्वभाव हमारे जैसा या कैसा है ये मैं जानता नहीं था। ईश्वर तो है, ईसा मसीह है, बट उसका स्वभाव कैसा है? वो प्रेम है, वो आनंद है, वो शांति है, बट एक्चुअली वो कैसा है? तो ये स्वभाव के बारे में आज ब्रदर जी ने जो बताया हमें, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ईश्वर का स्वभाव मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के स्वभाव के जैसा उसने अपना स्वभाव बनाया, ये हमें आज पता चला। वो जैसा भी हम बिहेव करते हैं आज, जैसे हम रहना चाहते हैं उसके साथ, वो हमारे साथ वैसे ही रहना चाहता है। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहता था ईश्वर आनंद है तो मुझे आनंदित रहना है, मुझे खुशी से रहना है, तो मैं घर में हंसते हुए आनंद करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बट ईश्वर का जो उपस्थिति है वो नहीं मिलता है। जो मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से कहूँगा तो मेरा ईश्वर उस तरह से रहेगा नहीं, बट जिस तरह मैं हूँ उस तरह मेरा ईश्वर रहना चाहता है, ये मुझे आज पता चला। और यहाँ पे जो एक्टिविटी आज हमने ली है, मैं खुद को भी ओपन करके लोगों के सामने कभी बताने के लिए हिचकिचाता था, बट आज चंद लोगों के सामने बताना हम हिचकिचाते नहीं। उसको क्या बोलते हैं, हम घर में बैठ के दो तीन भाई लोग बैठ के या भाई लोग बैठ के हम जो चर्चा करते हैं उस बातों में हम हिचकिचाते नहीं हम अपने जीवन को बताने के लिए। बट यहाँ पे उसी तरह से जो एक्टिविटी ली है उसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अपने हृदय से जो भी बातें थे और उन लोगों ने भी जो कुछ मुझे शेयर किया है, हम लोगों में शेयर किया है, वो बड़ा अच्छा अनुभव था हमारे लिए। कि हमारे जीवन में हमें लगता है कि हमें उन बातों को लोगों का सुनना भी है और लोगों को बताना भी है। और यही बात यहाँ पे कुछ व्यक्ति जिनके साथ में था, उन लोगों ने अपने हृदय को खोला है, ईश्वर को जाना है, आत्मा को जाना है, तो ये बात मुझे बड़ा आनंद लगा। उन लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को सामने रखा, अपने पारिवारिक जीवन को सामने रखा, उन्होंने छुपाया कुछ भी नहीं, उन्होंने एक चंद भी छुपाया नहीं। और जो हमने भविष्य कि आप देखा है उनके बारे में, वो भी स्पष्ट उन्होंने कहा कि हाँ ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है। तो उन लोगों ने सत्य को जाना है और सत्य ने उनको स्वतंत्र किया है। ईश्वर का वचन भी कहता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसी तरह आज इन सभी एक्टिविटियों में हमने सत्य को जाना भी है और सत्य ने हमें स्वतंत्र किया। तो इन सभी बातों के लिए आज हमें सब बड़ा अच्छा लगा। और लास्ट जो एक्टिविटी थी वो हमें हमारे जीवन को हमारे शक्ति को प्रभुत्व कैसे करना है ये हमें सिखाती है। हम विश्वास करते हैं, हमें भरोसा है, हमारे पास वचन है, बट उन वचनों को प्रभुता कैसे करना है ये हमें सिखाती है इन सभी एक्टिविटी को। पहले पवित्र आत्मा को स्वीकार करना है, उसके बाद लोगों के लिए प्रार्थना करना है, ये ईश्वर के वचनों पर या उस सभी बातों पर प्रभुता कैसा करना है उन सभी बातों को हमें ये सिखाती है। हम अपने जीवन में कभी कभी हमारे घर में हमारे माता पिता या हमारे बच्चों पर कभी दुख तकलीफ आती है तो हम प्रार्थना करते हैं, बट हम उनको हाथ करके कभी प्रार्थना नहीं कर सकते, हमको लज्जा लगती है कभी कभी, है कि नहीं? माता पिता को तो लज्जा लगती है अपने बेटों पर थोड़ा हाथ करके प्रार्थना करने को, उनको आशीर्वाद देने को लज्जा लगती है कभी कभी। तो ये हमारे जीवन में एक नेगेटिव बात है या ये गलत बात है। हम अपने जीवन में अपने माता पिताओं को प्यार करते, अपने बाल बच्चों को प्यार करते, तो उन्हें हाथ रखकर प्रार्थना करना, उन पर प्रभुता करना, उनके सभी गलत बातों पर ईश्वर के नाम से प्रभुता करना, ये हमें आज सीखने को मिला, उसे अनुभव करने को मिला। ये बड़ी अच्छी बात है और ये हमें इसे कंटिन्यू करना है जिससे हम ईश्वर के प्रेरित बन सके। सबके लिए, सब बातों के लिए धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।